पांचवें चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ कहा जाए तो चिराग पासवान, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी को झूठ का सरदार बोलने पे उनकी हार की बौखलाहट बता रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान दावे कर रहे हैं कि 400 के पार हम लोग की सीट आएगी, मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का कहना है कि पवन सिंह को बीजेपी से बाहर निकालने के पीछे बीजेपी का बड़ा मकसद है। उपेंद्र कुशवाहा को हराकर, कुशवाहा का जो नेता है उसको हरा करके पवन सिंह को जिताना चाहती है बीजेपी, और जीतने के बाद उन्हें अपने में शामिल कर लेगी अपनी पार्टी में। तो जो लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है, दो चरण का चुनाव बाकी है, कोशिश किया जा रहा है कि वोट बैंक अधिक से अधिक बाकी दो चरणों में अपने पक्ष में हासिल किया जाए। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तरह की जो राजनीति हो रही है बिहार में कहें या देश में कहें, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही है उससे फायदा क्या मिलने वाला है, और 4 जून के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कितने फायदे हुए और इस आरोप प्रत्यारोप का जो फायदा है कितना मिला। क्योंकि विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो, जनता से जुड़ा जो मुद्दा हो वो गॉन हो चुका है, लेकिन इन सब तरह की जो बातें हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो करके जो नेता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। इंदौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार ने एन वक्त पे नाम वापस ले लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता फुर्सत में हो गए थे, लेकिन अब उन कार्यकर्ताओं को एक नया काम मिल गया है। दरअसल अक्षय कांति बम के खिलाफ एक 17 साल पुराना मामला अदालत में चल रहा है, जिसमें उनका गिरफ्तारी वारंट भी निकल चुका है। अब उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं। उन्होंने पहले एक टीम बनाई जो कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का सहयोग करेगी। अब उन्होंने जगह जगह इश्तहार के पोस्टर चिपकाए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो अक्षय कांति बम का पता देगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, साथ ही उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस सब को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस की रस्सी तो जल गई, लेकिन बल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। पीएफआई के 8 सदस्यों, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को मद्रास हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने इन सब को 1.5 साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी थी, जिसके बाद एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि इन सभी सदस्यों को मिली जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। एनआईए की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो इस संगठन है इसका मंशा काफी खतरनाक है। विजन 2047 के तहत देश में शरिया कानून लागू कर मुस्लिम शासन स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इन सब की जमानत को रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि जिस तरीके से इन सब पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन सब की जमानत को रद्द किया जाता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतें की स्वतंत्रता में अगर समय पड़े तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। लोकसभा चुनाव के लिए अब सभी प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं।
जहां एक ओर हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार आखिरी चरम पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सभी प्रत्याशी अब रोड शो निकाल कर शक्ति प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के पटौदी विधानसभा के दर्जनों गाँव में रोड शो निकाला। रोड शो में जहाँ उन्होंने लोगों से वोट की अपील की, तो वहीं भारी संख्या में जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी इस रोड शो का हिस्सा बने। आपको बता दें कि राहुल यादव फाजिलपुरिया एक बॉलीवुड सिंगर हैं और राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। वहीं जहां एक और उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बीते 20 सालों में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, तो वहीं उन्होंने लोगों से ये वादा किया कि अगर लोगों ने उनको एक मौका दिया तो वो जनता की तमाम उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और किसको अपना महत्वपूर्ण मत देकर विजय बनाती है। मैं तो कहना चाहूंगा अबकी बार घमंड चूर होने वाला है। वो घमंड में वो बैठे हैं, उनको जो लगता है कि वो शाही महल में बैठ के फरमान जारी करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, अबकी बार ये वहम है। और मैं तो कहना चाहूंगा साथ के साथ जो हमारे दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राज बब्बर साहब, हमारे आदरणीय हैं, अच्छे एक्टर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या वो यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के कोई सी विधानसभा में उनके घर है या कोई उनका खानदान का कोई रहा है? आप लोगों को लगता है अगर वो गलती से जीत गए ऐसे यहाँ की जनता होने नहीं देगी? अगर वो जीत गए तो अपना घर परिवार छोड़ के गुड़गांव रह के हमारी समस्या सुनेंगे? गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जैसे। सारण में पोस्ट पोल वायलेंस की वारदात के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस घटना के तत्काल बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव के पीएस रहे भोला यादव किस हैसियत से रोनी आचार्य के साथ बुथ पर घूम रहे थे, जबकि उनके साथ में अंगरक्षक भी था। इस आरोप के बाद भोला यादव ने अपने पैड पर एक बयान जारी किया जिसमें नीरज कुमार को कानून पढ़ने की नसीहत दे डाली। भोला यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के परमिशन से वो रोनी आचार्य के साथ थी। इस घटना के बाद जिस तरह के बबेला मचा, उसके बाद नीरज कुमार ने दोबारा बयान दिया और उन्होंने पूछा कि अंगरक्षक के साथ बूथ पर जाने की अनुमति कैसे चुनाव आयोग दी। अब इस दौर में बयानबाजियों का एक नया स्वरूप सामने आया है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और इस मुद्दे पर राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि रोनी आचार्य के साथ लालू प्रसाद यादव के अंगरक्षक कैसे साथ था, अब इस बात की जांच कराई जाएगी। सम्राट चौधरी ने यह भी आरोप लगाया है कि रोनी आचार्य पुलिस बल के द्वारा बूथ पर कब्जा करना चाहती थी और वोट को डिस्टर्ब करना चाहती थी। इस बात का जवाब देते हुए आरजेडी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि हार से हताश बीजेपी जिस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रही है। अभी भी छपरा हिंसा की जो घटना हुई है उसको लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। उत्तर प्रदेश के राजधानी में लखनऊ का गर्मी का क्या कहर है यह बताने के लिए यह अंबेडकर पार्क का रास्ता पर्याप्त है। जिस रोड पे बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन गर्मी का ही असर है कि ये रोड सुनसान दिखाई दे रहा है। अक्सर ये जो रोड हमेशा गाड़ी और लोगों से भरा होता था। हालांकि जो यहाँ के मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने जरूर दावा किया है कि 27 तारीख तक लखनऊ का सूरत हाल यही रहेगा। जब भी लोग घर से बाहर निकले कॉटन का कपड़ा लेकर पहन के निकले, मिनरल बोतल होनी चाहिए साथ में, या कुछ ना हो तो नमक पानी नींबू का घोल होना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जाए। ये लखनऊ का हाल है, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यही है। और जैसे कि दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 30 जिलों को अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पे गर्म हवाएं बहेंगी और रात की जो हवाएं होंगी वो भी गर्म होंगी, जो सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नजफगढ़ में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। सुबह का समय है और आसमान धूप के माध्यम से आग बरसा रहा है। इस समय हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पे हैं और ये पथ दर्शकों से भरा रहता है, जो पर्यटक रहते हैं, जो इंडिया गेट देखने आना चाहते हैं या राष्ट्रपति भवन देखने आना चाहते हैं,
वो पूरे यहाँ पे भरे रहते हैं, लोगों से खचाखच भरा रहने वाला इलाका सुबह के समय आप देख रहे हैं कि एकदम खाली दिखाई दे रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये तपती धूप है। मौसम विभाग का कहना है कि इस धूप से भी राहत मिलने वाली नहीं है, रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करा दिया है, पर सबसे बड़ी बात कि आप घर से तब निकलें जब बहुत जरूरी हो, वरना घर में बने रहें, पानी अधिक से अधिक पिएं, हल्का भोजन लें, मसाले और तेल से दूर रहें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। देखना होगा कि ये गर्मी कब तक दिल्ली को झुलसाती है और दिल्ली वालों को कब तक राहत मिलती है, पर अभी हाल फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन मनु के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार से फ्री होकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और बीजेपी के नेता अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार दौरे पर हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रचार दौरे पर हैं। वहीं अगर कांग्रेस से बात करें तो दिग्विजय सिंह भी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर देखें संगठन की तरफ से हितानंद जो संगठन महामंत्री है मध्य प्रदेश बीजेपी के, वो गोरखपुर में संगठन को लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नेता अब दूसरे राज्यों में अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखना यह है कि मध्य प्रदेश के नेताओं का चुनाव प्रचार उनकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। लोकसभा चुनाव के लिए अब चुनावी प्रचार आखिरी चरम पर है। 23 तारीख शाम 5 बजे हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तमाम प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रविंद्रजीत सिंह ने अपना रोड शो निकाला। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में रविंद्रजीत सिंह ने रोड शो निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। यह रोड शो गुरुग्राम के प्रेम मंदिर से शुरू हुआ और सदर बाजार होते हुए अग्रसेन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान रविंद्रजीत सिंह ने सदर बाजार में तमाम व्यापारियों से वोट की अपील भी की। इस रोड शो में रविंद्रजीत सिंह के साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और रविंद्रजीत सिंह के समर्थकों ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए अब जो आखिरी चरण में चुनावी प्रचार चल रहा है उसमें तमाम प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, जनता किसको अपना महत्वपूर्ण मतदान देकर दिल्ली तक का सफर तय कराती है। आज रोड शो के अंदर इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इतनी भारी तादाद के अंदर न केवल गुड़गावा शहर के और शॉपकीपर्स आए, लेकिन इर्द गिर्द के सारे लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए और इतनी भारी तादाद के अंदर यहाँ आए कि जो यात्रा हमारे को हम सोच रहे थे कि आधे पौने घंटे में खत्म कर देंगे, 3 घंटे लग गए इस यात्रा को पूरा करने के लिए। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जय सिंह। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, अब पूरे देश की निगाहें अगले 2 चरणों पर टिकी हुई हैं। और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो 1 तारीख को 7वां चरण है उसमें वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और पिछली बार का जो मार्जिन 2019 का रहा था वो करीब 480,000 वोटों का रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार संयुक्त रूप से दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं अजय राय। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्ट्रेटजी बना रही है वाराणसी को लेकर, जिसमें करीब 2 से 3 जनसभाएं राहुल गांधी की होंगी, तो वहीं प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की भी एक जनसभा पर आयोजित है जो कि शायद 25 तारीख को की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी स्ट्रेटजी इस तरह से बना रही है कि जो समीकरण है उसमें अजय राय अधिकतर जो वोट है वो ज़्यादा ले पाए और एक टक्कर देने की स्थिति में रहे। अब ऐसी स्थिति कैसे बनती है वो उस पर लगातार कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है, और इसी के मद्देनज़र बड़े बड़े जो नेता स्टार कैंपेनर्स हैं उनका डेरा एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बनारस में होने वाला है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां
दिल्ली में जो आजमाइश कर रही है, पिछले एक सप्ताह से बीजेपी भी कारपेट प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले ही एक रैली हो चुकी है, आज द्वारका में एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई दूसरे नेता भी दिल्ली में आज कैनवेसिंग कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। खासकर नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के अलावा, उसके अलावा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा कई दूसरे नेताओं को भी दिल्ली में लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली में प्रचार अभियान में लगाया गया है। बीजेपी की उम्मीद यह है कि सातों के सातों लोकसभा सीटें जीत जाए, इसके लिए अन्य क्षेत्रों के लोगों को लगाया गया ताकि अन्य समुदाय में बीजेपी का पैठ बढ़ाया जा सके और सातों के सातों लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को जीत नसीब हो। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज हरियाणा के सोनीपत और चरखी दादरी में दो जनसभाओं को संबोधित किए। उन्होंने जनसभा के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद किसानों के लिए एमएसपी गारंटी का कानून लाएगी, साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफी बड़े व्यापारियों की है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में किसानों की कर्ज माफी करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों का भविष्य अंधकारमय किया है, उनकी सरकार आने के बाद वह अग्निवीर योजना को समाप्त कर सेना में रेगुलर बहाली कराएंगे। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई से पहली महालक्ष्मी योजना के तहत 8500 रुपया महिलाओं के खाते में भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में बीजेपी ने अब शिकायत भी दर्ज कराई है। बाद में शाम को वह पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान सम्मेलन नामक एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार संविधान को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज 90% आबादी जो है वह गरीबों की है और दलित और आदिवासियों की है, लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा उन्हें सम्मान देने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है, और जब हमें अपना हक मिलेगा तो सम्मान हमें खुद ब खुद मिलेगा। उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का नाम लेकर कहा कि जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई और आदिवासी सीएम होने के कारण आज हेमंत सोरेन की अभी तक बेल नहीं हुई है और जानबूझकर आदिवासी और दलितों को परेशान करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आदिवासी और जो दलितों का हक है वो देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और जिस तरह बीजेपी भेदभाव की राजनीति कर रही है उसे समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चंडीगढ़ से कैमरा स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण पूरे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होती जा रही है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगातार बैक टू बैक कई बयान दिए और भाजपा को कटघरे में खड़ने की कोशिश की। कांग्रेस का दावा था कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उसका एक कारण ये बताया कांग्रेस के नेताओं ने कि 400 पार का जो नारा है वो जनता को पसंद नहीं आया और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का दंभ नज़र आ रहा था, इसलिए जनता ने इंडिया गठबंधन को लेकर मतदान किया है। ये दावा कांग्रेस के नेता करते नज़र आए। दरअसल ये प्रतिक्रिया इसलिए आई है कांग्रेस की क्योंकि कल भाजपा की तरफ से भी एक कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उन्होंने दावा किया था कि देश में भाजपा की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि 40 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी। उसी का पलटवार करते हुए आज कांग्रेस ने भी बयान जारी किया है और ये कहा है कि 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की देश में नहीं आएंगी और सरकार बनाने के में निष्फल हो जाएगी भाजपा। तो उन्होंने पलटवार किया है कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी के बयान को लेकर। इसके अलावा भी कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ सरकार को भी घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। राधिका खेड़ा को लेकर भी बयान आज कांग्रेस ने दिया है। उनका कहना था कि राधिका खेड़ा बहुत ही अनर्गल और आधारहीन आरोप लगातार लगा रही हैं और हम सारे आरोपों का जवाब देंगे। ये बयान खुद सुशीलान शुक्ला ने दिया है, जिनको लेकर राधिका खेड़ा
नए आरोप पहले भी लगाए थे और कांग्रेस छोड़ने की वजह भी उन्हीं को बताई थी। तो आज कांग्रेस हमलावर नजर आई है और बीजेपी पे लगातार धड़ाधड़ कई सारे बयान जारी करके बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती नजर आई है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। एक सप्ताह बाद अपनी काशी में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिनों तक यहां पर चुनावी प्रचार को धार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपनी काशी की मात्र शक्ति से मिले और उस सम्मेलन में उन्होंने नारी शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने काशी की महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी और कहा कि चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद उनके प्रचार की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही है। उन्होंने महिलाओं को बूथ दिवस पर विशेष तैयारी करने के लिए भी निर्देशित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स की भागीदारी हो, इसके लिए महिलाओं को विशेष प्रयास करना होगा। महिलाओं को मतदान दिवस पर ताली बजाते हुए बूथ पर पहुंचने और लोगों का डोरबेल बजाने के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गीत गाते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी तभी स्वस्थ लोकतंत्र सरकार बनेगी। इसके लिए उन्होंने भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारियों के संग बैठक भी की और उन्हें भी बूथ जीतने के लिए सफलता के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो इसके लिए बूथ जीतना होगा और उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों को बूथ मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। वाराणसी से सुबह बस्ती रवाना होने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के जो चुनिंदा पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक की और उन्हें सफलता के मंत्र बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपने चुनाव अभियान पर निकल गए। उन्होंने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बताई, साथ ही एक्शन प्लान भी बताया कि मतदान दिवस पर किस प्रकार की रणनीति हो जिसके जरिए बूथ स्तर पर भाजपा जीत हासिल करने में कामयाब हो। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। मुंबई के घाटकोपर में कल फिर एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 30 से ज्यादा फ्लेमिंगो ने अपनी जान गंवा दी। हादसा उस वक्त हुआ जब दुबई की एक फ्लाइट एमिरेट्स मुंबई आ रही थी, तभी उस दौरान सारे के सारे फ्लेमिंगो एक झूठ में उड़ान भर रहे थे और फ्लाइट से टकरा जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने DGCA से जांच कराने की मांग की है। हालांकि ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर DGCA की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। इसके साथ ही पायलट की लापरवाही की भी बात पर्यावरण कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। कैमरामैन बाला के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।